हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से एक प्रमुख रोग जो मच्छरों के काटने से होता है, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया एक अत्यंत पीड़ादायक संक्रामक रोग है। 2006 में भारत के कई राज्यों में चिकनगुनिया का ज्वर का आतंक फैल गया था। चिकनगुनिया एक अफ्रीकी शब्द है जिसका अर्थ होता है हड्डी टूटने जैसा दर्द, अर्थात इस रोग में असहनीय दर्द होता है हड्डियों में। चिकनगुनिया का फैलाव चिकनगुनिया वायरस के संक्रमित एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया फैलाने वाला यह मच्छर जब किसी संक्रमित व्यक्ति या बंदर को काटता है तो उसकी लार में यह वायरस पहुंचता है। फिर यह संग्राहक मच्छर जब किसी भी स्वस्थ को काटता है तो अपने लार के माध्यम से उस व्यक्ति में इस वायरस को फैलाता जाता है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि रोगी व्यक्ति के अंतर्गत आपको कौन से लक्षण दिखाई देंगे तो आप जान लेंगे कि चिकनगुनिया हो सकता है। तो ये लक्षण हैं, मच्छर काटने के 2 से 7 दिनों बाद चिकनगुनिया के लक्षण नज़र आते हैं। ठंड लगकर तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, जोड़ों में तेज असहनीय दर्द होता है, जोड़ों में सूजन और विकृति आ जाती है, जी मिचलाने लगता है, भूख कम लगती है, कमजोरी आ जाती है, प्रकाश के सामने कुछ भी अच्छा नहीं लगता और शरीर पर चकत्ते निकलने लगते हैं। तो ये 7 से 10 दिनों तक तकलीफ बनी रहती है और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन लोगों में महीने भर यह लक्षण बना रहता है। तो मित्रों, आपको मैं बता दूं कि किस प्रकार से हम चिकनगुनिया का उपचार करें। तो चिकनगुनिया के विषाणु शरीर के अंदर नष्ट करने के लिए कोई विशेष दवा या वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर से चिकनगुनिया का उपचार करने के लिए लाक्षणिक दवा लें, जोड़ों एवं अन्य दर्द के लिए दर्दनाशक दवा लें, बुखार आने पर पैरासीटामॉल या कैलपाल का प्रयोग डॉक्टर के परामर्श के अनुसार करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संतुलित आहार लें, ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थों का सेवन करें और अधिक से अधिक आराम करें। ज़्यादातर मरीज घर पर दवा लेकर और आराम करके ठीक हो सकते हैं, पर लक्षणों में वृद्धि होने पर अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो जाता है। चिकनगुनिया के लक्षण नज़र आने पर मेडिकल से दवा लेने की जगह डॉक्टर की सलाह के अनुसार उचित मात्रा में ही दवा लेनी चाहिए। तो हम मित्रों बता दें कि कौन सी सावधानियां हम रखें जिससे कि चिकनगुनिया जैसे हड्डी तोड़ बुखार से अपने को, अपने परिवार को, समाज को बचा सकें। मैं आपको बता दूं कि घर के अंदर या आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें, क्योंकि ये जितने भी मच्छर हैं, चाहे डेंगू है, एनाफ्लीज क्यूलेक्स है, ये सभी गंदे जल में ही अंडे देते हैं। तो पानी को कहीं भी अपने आसपास इकट्ठा होने न दें। बर्तन को खाली या उल्टा करके ही रखें। अगर बाल्टी में पानी रखे हैं तो उसको ढक करके रखें। किसी चीज़ में हमेशा पानी जमा रहता है, जैसे साबुदानी में साबुन के साथ पानी लगा रहता है, तो ऐसे स्थानों से भी पानी को हटा दें या उसके ढक्कन को लगा दें। घर में कीटनाशक पदार्थों का लगातार छिड़काव करें। कूलर इत्यादि के पानी को प्रतिदिन चेंज करते रहें, उसको भी निकाल दें, सुखा दें, हटा दें। गड्ढों, गमलों, कचरे इत्यादि में पानी को इकट्ठा न होने दें, मिट्टी डालकर उसको बंद कर दें।
खिड़की और दरवाजे पर जाली लगा कर रखें, शाम होने से पहले ही बंद कर दें, क्योंकि शाम के समय ही मच्छर बाहर से अंदर घर में प्रवेश करते हैं। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़ों का प्रयोग करें, संभव हो तो मच्छरदानी का प्रयोग सोते समय अवश्य करें। अन्य आधुनिक उपकरणों इलेक्ट्रिक मॉस्क्यूटो बैट, रिपेलेंट क्रीम स्प्रे आदि का प्रयोग सुरक्षित ढंग से करें, बच्चों से दूरी बना करके रखें, मच्छर को फैलने से किसी भी प्रकार से रोकें। कुछ ऐसे मछलियां होती हैं, अगर आपके आसपास कोई ऐसा गड्ढा है, तालाब है, जिसका पानी सुखाया नहीं जा सकता, तो ऐसी मछलियां होती हैं लार्विसिडल फिशेस, एक मछली जिसका नाम है गैम्बोसिया फिश, ऐसी मछलियां मच्छर के लार्वे प्यूपे अंडे को खाकर नष्ट कर देती हैं। इन तालाबों में, गड्ढों में ऐसी गैम्बोसिया फिश को ला करके छोड़ें, ताकि ये इन मच्छरों को, इनके अंडे डिम्बक लार्वे को पनपने न दें। तो ये है मित्रों, मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप तक